नमस्कार दोस्तों, स्टडी गेटवे प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने एक मैसेज दिया है, या आप कह सकें एक नए वायरस कोरोना वायरस के थर्ड वेव के बारे में अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो दूसरा लहर चल रहा है वो भी तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जो तीसरा लहर आएगा वो इससे भी खतरनाक है, क्योंकि कोरोना वायरस अपने म्यूटेंट को लगातार बदल रहा है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। इससे संबंधित एक वीडियो भी देखेंगे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी उसे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि ये कब आएगी, इसका क्या इफेक्ट होगा, अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए उन्होंने तैयार रहने के लिए सरकार को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वो बहुत ही तेज संक्रमण करेंगे, और जो नया स्ट्रेन आएगा उसके लिए वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो वैक्सीन अभी दिया जा रहा है वो सिर्फ मौजूदा वेरिएंट के लिए कामयाब है, और नए नए स्ट्रेन के लिए वैक्सीन को अपडेट करने के लिए जरूरी है। और उन्होंने सारे वैज्ञानिकों को नए स्ट्रेन के मुकाबला करने के लिए तैयारी करने का वो सरकार को भी अलर्ट किया है। और क्योंकि जो तीसरा लहर आएगा वो बच्चों के लिए भी जानलेवा होगा, इसे विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दिया है कि बच्चों में हो सकता है वो डायरिया हो, खांसी के लक्षण हो, दस्त हो, बुखार लगे, ये सब हो सकता है, क्योंकि यह बच्चों को भी तीसरा लहर टारगेट करेगा। तो आइए हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, उस संबंधित वीडियो को देखते हैं। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केंद्र सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर के विजय राघवन ने बताया कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी, हालांकि ये कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी ये अभी तय नहीं है। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा इसके लिए लेकिन हमें तैयार रहना होगा। डॉक्टर विजय राघवन ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें साझा की। What next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. So B117, other variants like 617, are accumulating changes which show excellent vaccines, on which vaccines show excellent efficacy. But ongoing surveillance is needed and vaccine updates as we go ahead with new kinds of variants are inevitable. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन होता रहेगा। भारत में कोरोना के हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहे हैं। सरकार भी कह चुकी है कि ये भारत में कोरोना की दूसरी लहर है। इस प्रकार आपने वीडियो में देखा कि सरकार ने तीसरे लहर के बारे में बताया है। अब आप सोच सकते हैं कि दूसरा लहर भारत में इतना दहशत फैलाया है, इतना प्रभावित किया है भारत को, तो तीसरे लहर में क्या होगा, क्योंकि तीसरे लहर में बच्चों को भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान रखिए और इन कोरोना से बचने के उपायों को पालन करिए। कोरोना से बचने के लिए जो सामाजिक दूरी से बना कर रखिए, बार बार हाथ धोइए, सफाई का पूरा ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, चेहरों आँखों को हाथ से मत टच करिए, और जो ये लॉकडाउन या जो भी आंशिक कर्फ्यू लगा उसका पालन करिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, पौष्टिक आहार खाइए, और बच्चों को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लहर आएगी तीसरी वो बच्चों को ही टारगेट करेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, और इस कोरोना को मात देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा हथियार है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।